आज अक्षय तृतीया के खास पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। धाम के कपाट गंगा पूजन, गंगा सहस्त्र नाम पाठ एवं विशेष पूजा अर्चना के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रोहिणी अमृत योग की शुभ बेला पर आज दोपहर 12:35 पर कपाट खोल दिए गए। गंगा मैया की गंगा मैया की आपको बता दें कि कपाट खुलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया और सभी के द्वारा मास्क अनिवार्य रूप से पहने गए। सर, माँ गंगा के कपाट खोल दिए गए हैं और निरंतर पूजा अर्चना चलेगी। सारे देशवासी अपने घरों में रह के माँ गंगा को याद करें, निश्चित तौर पर वो माँ गंगा की प्राप्ति होगी। और मान लीजिए आप कि हम लोग जो पुरोहित लोग हैं, आज से ही निरंतर माँ गंगा के चरणों में पूजा अर्चना करेंगे और इस महामारी के लिए सारे संसार जो महामारी से पीड़ित है वो सारे संसार इससे मुक्त होगा, ऐसी मेरी कामना है और ऐसी हम प्रार्थना माँ गंगा से करते हैं। और उस महामानव को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज हमने पहली पूजा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से करवाई, क्योंकि वो देश के महामानव है और ऐसा महामानव बार बार सदियों में पैदा होता है जिसने पूरे संसार को ये दिशा निर्देश दिया है, उसका मार्गदर्शन किया है। इन शब्दों के साथ जय गंगा माँ। जानकारी के लिए बता दें कि 25 अप्रैल को माँ गंगा जी की डोली उनके मायके और शीतकालीन प्रवास मुखबा से भैरव घाटी के लिए रवाना हुई थी। भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद माँ गंगा की डोली आज सुबह 7 गंगोत्री के लिए रवाना हुई, जहाँ गंगा पूजन, गंगा सहस्त्र नाम पाठ और विशेष पूजा अर्चना के बाद विधि विधान के साथ गंगा जी की भोग मूर्ति को मंदिर के भीतर विराजमान किया गया। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अक्षय तृतीया महापर्व की शुभ बेला पर मंदिर समिति गंगोत्री को 1100 रुपए दान स्वरूप दिए। वहीं धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से हुई। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इस तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।